छोटी एसयूवी बड़ा धमाका। टाटा की HBX नहीं, ये H2X नहीं है, ये अब बन गई है HBX। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट से ये प्रोडक्शन के तरफ एक और कदम बढ़ा चुकी है। ये जो है ये टाटा की सबसे छोटी एसयूवी है, ये नेक्सॉन के नीचे स्लॉट इन होगी। तो 5 से 8.5 लाख रुपए की ये गाड़ी आपको जल्द ही भारतीय बाजार में देखने मिलेगी। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि भैया लॉन्च कब है? अगर टाटा की माने तो लॉन्च 2020 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट अबाउट द लॉन्च एंड द प्राइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो आप आपके पीछे देख रहे हैं एक्चुअली गाड़ी वैसी होने वाली है क्या? अब टाटा के डिज़ाइनर ने हमसे ये कहा है कि HBX जो है 95% प्रोडक्शन रेडी है। जो शीट मेटल है, फेंडर्स, डोर्स, रूफ, बॉनेट, बूट, सभी प्रोडक्शन स्पेक है। हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स में थोड़ा सा चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग, लेकिन ओवरऑल शेप और साइज बिल्कुल सेम रहेगा। अब इस गाड़ी में काफ़ी शोकार एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे ग्रिल पर फ्लडलाइट्स दिए गए हैं, मड टेरेन टायर्स लगे हैं, ऑब्वियसली आप वो बड़ा सा रूफ कैरियर देख रहे हैं, और छोटे मोटे राइनो डिटेलिंग दिए गए हैं, राइनो मोटिव्स बनाए गए हैं, हुड पर एक छोटा सा एक्सेंट पीस भी दिया गया है। ऑब्वियसली ये शो कार एलिमेंट्स आपको प्रोडक्शन स्पेक गाड़ी में नहीं दिखेंगे, लेकिन गाड़ी शेप और साइज बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। छोटी सी प्यारी सी बॉक्सी सी एसयूवी। अगर मैं आपको इसका साइज़ का रेफरेंस दूँ तो ये इग्निस से आधी साइज़ छोटी है लेंथ, हाइट, विड्थ के मामले में, और इसका व्हील बेस जो है वो भी इग्निस से थोड़ा बड़ा है। अब बात करते हैं कैबिन के बारे में। अब इंटीरियर की बात करूँ तो वो भी HBX में प्रोडक्शन रेडी है। HBX शो कार में आपको एक फुल ब्लैक इंटीरियर देखने मिलेगा, थोड़े से कॉपर गोल्ड कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं, और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो फ्रंट में आपको काफ़ी जगह मिल जाती है, नॉट एन इशू। रियर में भी आपको लेग रूम और नी रूम, फुट रूम की कोई दिक्कत नहीं होगी, हेड रूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रॉपर 5 सीटर, ऑब्वियसली छोटी गाड़ी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अ नाइस कम्फर्टेबल 4 सीटर एट द लीस्ट। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको मिलेगा Altroz का स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स है, Altroz का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिलेगा जो सेमी डिजिटल है, एक टच स्क्रीन है जो मेरे हिसाब से 7 या 8 इंच का होगा, आई थिंक इट्स द 7 इंच यूनिट फ्रॉम द नेक्सॉन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। फिलहाल हमारे पास इसके बूट स्पेस पर एक कॉन्क्रीट नंबर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। HBX के प्रोडक्शन वर्जन में आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा। इस गाड़ी के साथ प्रॉबेबली सिर्फ एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन होगा, जो होगा 1.2 लीटर का पेट्रोल जो हमने टियागो और टिगोर में देखा है, इनफैक्ट Altroz में भी देखा है। रफली 85 हॉर्स पावर, 115 Nm, 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT के साथ। अब उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि इस गाड़ी का नाम क्या है? एक्चुअली व्हाई डोंट यू टेल अस दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल क्विकली रैप इट अप। ये गाड़ी आपको दिखेगी बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। प्राइसेस होंगे 5 से 8.5 लाख रुपए के बीच में। हम इसे ऑब्वियसली चलाने वाले हैं, इसका फर्स्ट ड्राइव रिव्यू जल्द ही आपके पास आएगा। यू डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन दैट। हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।